दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको BMW कार दिखाऊंगा और उस पर हम आज बैठूंगा, तो चलते हैं दोस्तों। हम आपको आज BMW कार दिखाऊंगा, उसका अंदर का पूरा सीन। भाई आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ब्लू कलर का लग्जरी BMW कार है, राजस्थान का है, इसका नंबर प्लेट है राजस्थान की है। और इधर से ये गेट, ये फर्स्ट गेट है, और यहाँ पे इसका जो है स्टेयरिंग है, जबरदस्त लुक है इसका, अंदर का सीट भी जबरदस्त है, और इस तरफ भी है, ये भी खुल गया है। और इसका पीछे का पोर्शन दिखाऊंगा, तो यहाँ देख सकते हो कि पीछे में इसका BMW लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके इस तरफ भी लुक जबरदस्त आ रहा है, शानदार है दोस्तों। इसका टायर देख सकते हो कि इसकी टायर में भी BMW का लोगो है यहाँ पे, और तो हम अब अंदर की दिखाऊंगा इसका इंटीरियर। ये इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में आपको BMW का लोगो मिल जाएगा, और ये ड्राइवर सीट है। इसके ठीक बगल में यहाँ पे इसका गियर है, यहाँ पे भी एक व्यक्ति बैठ सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, और इसमें डिस्प्ले एयर भी है, इसमें सॉन्ग भी बजता भी, पर अभी नहीं बजाऊंगा। इसका चाबी तो ये देख सकते हो, इसका ये चाबी है, और इसको टिपेगा तो लॉक खुल जाएगा, और इसको दोबारा टिपिएगा तो इसका गेट बंद हो जाएगा। यह इसका दोस्तों, ये स्टार्ट किस तरह होता है, तो इसका मैं चाबी यहाँ पर रख दिया हूँ, इसका चाबी, और इसको जो है यहाँ पर बटन है, इसका ठीक स्टेयरिंग के नीचे यहाँ पे बटन है, स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे है इंजन। तो हम इसको टिपू, अभी इसको बटन पर क्लिक करूँगा तो इस पे ठीक, तो ये स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। इसका आवाज़ बहुत स्मूथ है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, क्योंकि ये लग्जरी कार है, इसे पता नहीं चलता है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत स्मूथ आवाज़ है ये। यहाँ पे इसका जो किलोमीटर है 260 किलोमीटर है इसका स्पीड है, और पर अधिकतर कार इसमें हाईवे पर आप इसमें 140 160 की स्पीड में 200 तो उतना नहीं जाता, 200 पर यहाँ पे आप जितना भी स्पीड में ले जा सकते हैं। और यहाँ पे इसका यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ, कितना किलोमीटर तक चला। यहाँ पे इसका हॉर्न है, ये हॉर्न है, इसका हॉर्न है इसका, और यहाँ पे इसका गियर है। ठीक ऊपर में यहाँ पे AC है, ये एयर कंडीशनर है। वाह दोस्तों, देख सकते हो ये पूरा खुल चुका है इसका ऊपर का, देख सकते हो यार, जबरदस्त इसका सीन है, लुक है ये लग्जरी कार का। तो ये पूरा खुल चुका है, अब इसका पूरा अभी ऊपर का भाग दिखा दूंगा। इसमें चलता हूँ, इसमें इसका पीछे वाला इंटीरियर में, यहाँ पे इसका सीट कितना लग्जरी इसका सीट है, स्मूथ सीट है, बहुत मक्खन का तरह सीट है इसका। और अभी ये पूरा खुल चुका है गाइज, ये देख, यहाँ से इसका ओपन पूरा हो चुका है, यहाँ हाथ देख सकते हो, यहाँ पूरा हाथ बाहर हो जा रहा है। इसका जो छत है ये पूरा खुल चुका है, और हम अभी इसका छत दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि हम इसका छत जो पूरा खुल चुका है, और इधर होटल है, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ होटल है, और ये इसका छत पूरा खुल चुका है, यहाँ से जबरदस्त फीलिंग आ रहा है दोस्त। तो यहाँ पर खड़ा होकर के लग रहा है कि वाह कितना अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग जबरदस्त। और यहाँ पे इसका स्पीकर है, यहाँ पे आप गाना सुन सकते हैं, गाना म्यूजिक बजा सकते हैं। यहाँ पे सामान रखने के लिए बोतल कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, बिस्किट खाने का सामान। और इसका ये विंडो है, इसको क्लिक करोगे खुल जाएगा, ये खुल चुका है। इधर
इसको फिर लॉक करोगे तो लग जाएगा, इसको इस तरह उठाओगे तो लग जाएगी ऊपर। इसका बात करो पीछे में, तो पीछे में ये तकिया है, आप तकिया को ये तकिया दिया गया है यहाँ पर, आप सामान भी यहाँ रख सकते हैं इसका पीछे में, ज़्यादा तो इसमें जगह नहीं है पीछे में यहाँ पर अच्छा आप सामान यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बैग यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब हम इसको बाहर की ओर चलता हूँ, यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, यहाँ पे अभी 18:37 हो रहा है, 6:37 हो रहा है, यहाँ पे डेट है 29 मई 2022। आप यहाँ पे FM सुन सकते हैं, इस पे म्यूजिक चला सकते हैं, तो देख सकते हो कि इसका म्यूजिक बज रहा है। RJ Kanika on Instagram पे RJ Kanika पर आके क्विकली क्विकली बताओ। एंड मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन अगेन अ पंजाबी सॉन्ग बाय अफसर। दोस्तों ये जो कार है ये आप देखेंगे TVS बाइक, सेम टू सेम उसी तरह, इसमें स्टेयरिंग दीजिएगा ये चलने लगेगा, इसमें जो है गियर नहीं रहता है, और गियर है तो वो नंबर वाइज होता है, लेकिन अधिकतर जितना भी ड्राइव करते हैं वो गियर पर दिया रहता है, ऑप्शन तो दिया ही है गियर का यहाँ पे, लेकिन वो गियर का यूज उतना नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक चलता है इसको। यहाँ पर स्टेयरिंग है, ये है स्टेयरिंग इसका, इस ब्रेक, ये ब्रेक है, ये है इसका रेस, एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर, और यहाँ पर अपना पाँव रख सकते हैं, और इसमें काम होता है एक ही पैर का, ये ब्रेक ये रेस, इस पे आप एक्सीलेटर है, इसको कम ज्यादा करोगे तो ये चल कम ज्यादा, और होता है ना एक ट्रक में जो गियर डालना पड़ता है 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स, तो ये उसमें कंडीशन तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें अधिकतर जो है उस प्रकार का नहीं यूज करते हैं, तो इसमें ज्यादा इसमें उतना कठिन भी नहीं चलाना BMW ये, और ये स्टेयरिंग है यहाँ पे, और ये है इसका, आप अपना यहाँ पर हाथ रख सकते हैं, यहाँ पे हाथ आराम से, यहाँ पर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं यहाँ पे खाने का, और